सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सैमसंग के फ़ोन के साथ जो आपका हेडफोन होता है ब्लूटूथ हेडफोन, उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, सॉरी अनपेयर कर सकते हो। ठीक है, अनपेयर करने के लिए ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना आपको है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शंस का। सिंपली आप उस कनेक्शंस का ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लूटूथ का। ठीक है, आप सिंपली उस पे ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, यहाँ पे आपको पैट्रोन, जैसे मेरा कनेक्टेड हो रखा है पहले, जो हमारा हेडफोन है मेरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। अब उसको अनपेयर करने के लिए सिंपली जो आपका ये हेडफोन्स का नाम है, जैसे ये नाम लिखा हुआ उसके बगल में कुछ ऐसा आइकन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सेटिंग्स का आप सिंपली सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करते ही इसकी सेटिंग्स में आ जाओगे आप हेडफोन्स की, ब्लूटूथ डिवाइस की। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, रिनेम का, डिस्कनेक्ट का, अनपेयर का। तो हमको सिंपली अनपेयर करना है, तो यहाँ पे सिंपली हम अनपेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अनपेयर हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा जो पीछे शोर आ रहा है उसके लिए सॉरी।